फाइनली वी रीच मथुरा। अंदर शायद ना फोन वगैरह अलाउड नहीं है। जो ये भैया दिख रहे हैं ना, इन्होंने हमारे साथ ना स्कैम करने की कोशिश करी थी। यहाँ के लोग ना सारे के सारे सब लूटने में पड़े रहते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हाय माय नेम इज कंचन। तो आज हम जा रहे हैं मथुरा वृंदावन में। और डिंपल, फाइनली डिंपल वी आर गोइंग वृंदावन। डिंपल की चेक लिस्ट था, बकेट लिस्ट था। कैसी है टेस्ट में? झूठी सच बता, मतलब कि ठीक ठाक ही है, मुझे पसंद नहीं है। मैं टेस्ट करके बताती हूँ। हमारे पहाड़ी में बोलते हैं अंग फूटेगा पानी का, मतलब समझ में नहीं आया। मतलब मुझे समझ में नहीं आया इसका मतलब क्या होता है, मतलब एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता, बट क्या तात्पर्य यही है इसका कहने का कि ये कि अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है बट क्या करता है, अच्छा बना सकती है। Later that same evening. अभी हमारा डिनर आ गया है और कब से मैं इंतजार कर रही थी। डिंपल के मेरी सीट भी एक्सचेंज हो गई है। ये वेट कर रही थी मैं, नहीं मैं इंतजार कर रही हूँ बेटा, मैंने यही बोला। फाइनली वी रीच मथुरा। डिंपल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। रात के 10:30 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं। तो हम लोग पहुँच गए रूम में, अभी रेस्ट कर रहे हैं। पहुँचते पहुँचते में 11 बज गए क्योंकि ट्रैफिक लग गया था यहाँ पे और बहुत ज़्यादा रश। क्यों? हाँ तो हम देखें इधर, अभी तो हम रेस्ट करेंगे बस। और कल का प्लान है, सबसे पहले हम जाएंगे, इन्होंने हमें जो मतलब जहाँ स्टे कर रहे हैं उन्होंने इतना बड़ा लिस्ट दिया है बना के। तो देखते हैं कल द्वारिकाधीश और श्री कृष्ण जन्मभूमि जाना है हमें, दो जगह जाना है, फिर हम वृंदावन करेंगे कवर। तो जन्मस्थली बोलने वाले थे ना? हाँ, अब तो वाली है जन्मभूमि। गुड नाइट। गुड नाइट, चलो बाय। हाय एवरीवन, सो हम दोनों हो चुके हैं रेडी फाइनली। अभी हम जाएंगे द्वारिकाधीश और उसके बाद जाएंगे कृष्ण जन्मस्थली। पहले कृष्ण जन्मभूमि जाएंगे, देखते बाहर जाके बात करते हैं। ऑटो वाले से जो पहले पड़ेगा वो पहले वहाँ जाएंगे, देन नेक्स्ट जो होगा फिर वहाँ जाएंगे। तो हम जा रहे हैं जन्मभूमि। पहुंच गए हैं और ये देखो सर पे लगा दिया, उतरते ही ऑटो से सर पे लगा दिया। अंदर से ना फोन वगैरह अलाउड नहीं है, तो हम फोन वगैरह कहीं सबमिट करके जाएंगे। चलो हम आ गए हैं वापस घूम के, हमने गाइड ले लिया था तो गाइड ने बताया अच्छे से, जल्दी जल्दी करा सब कुछ, सब कुछ जल्दी जल्दी करके आ गए। अब जा रहे हैं द्वारिका। गोकुल वृंदावन नहीं वे, तो हम लोगों ने दर्शन कर लिया है जन्मभूमि का, कृष्ण जन्मभूमि का। बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप लोगों ने दर्शन नहीं किए तो आप भी ज़रूर आना करने के लिए। और अगर आप लोगों ने दर्शन किए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको।
द्वारकाधीश मंदिर से आ गए हैं। द्वारकाधीश से आने के बाद हम लोग गए थे यमुना नदी, जहाँ पे हमने पूजा करी। प्लस जो ये भैया दिख रहे हैं ना, इन्होंने हमारे साथ ना स्कैम करने की कोशिश करी थी। मैं आपको आगे बताऊंगी फुल डिटेल में कि क्या हुआ था। तो वापस आ गए द्वारकाधीश से, वहाँ से भी दर्शन कर लिए, पूजा कर ली, हमने यमुना पूजा भी कर ली। और हमें एक वो मिले थे ब्रोकर, वीकेंसी ब्रोकर, तो हमको उल्लू बना रहे थे, बट हम नहीं बने उल्लू, वेल्डर बहुत से कुछ भी नहीं खाया हमने। कहा मंदिर के दर्शन वगैरह हो जाए, उसके बाद खाएंगे। उन्होंने लगाया मेरे को? नहीं, मैंने नहीं लगाया, डिम्पल ही वहीं से लगा। हम वहाँ गए थे जब अंदर द्वारकाधीश में, तो वहाँ पे होली खेल रहे थे, तो एकदम ऐसा आया ग्रीन कलर मेरे पूरा इस साइड पे लगा, कपड़ों में लगा, और डिम्पल के कपड़ों में लग गया। होली हो गई हमारी, तो शुरू हो गई मेरी। और अभी हम नाश्ता करेंगे कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो हम लोग वापस आ गए हैं, थोड़ा फ्रेश अप होते हैं, क्योंकि पहले भी थोड़ा नाश्ता करेंगे, बट हमें कुछ जगह ही नहीं मिल रही थी नाश्ता करने की, तो इसलिए हम आ गए रूम पे ही। चेकआउट करने का टाइम भी हो गया हमारा, यहाँ से चेकआउट करके हमें वृंदावन निकलना है। वृंदावन में जाकर के हम होटल लेंगे, और हमारी होली शुरू हो गई, हमारी होली शुरू हो गई। और डिम्पल बोल रही है यहाँ के लोग अच्छे नहीं है। मुझे पता है क्या यार, यहाँ के लोग ना सारे के सारे सब लूटने में पड़े रहते हैं। एक तो टूरिस्ट प्लेस है, तो सबको मतलब ये चाहिए कि इससे 90 रुपये मिल जाए, इससे 70 रुपये मिल जाए। जब हम वहाँ गए थे द्वारकाधीश, तो वहाँ पे ना हमको हमने सोचा कि चलो गाइड कर लेगा तो ठीक है, हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पर क्या है, नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसने बोला कि 100 रुपीज़ में कर देंगे, तो मैंने बोला ठीक है चलो। और पहले थोड़ा बार्गेनिंग करी, बट चलो ठीक है, मंदिर में क्या ही बार्गेनिंग करूँ ये सोच के। उसने मेरे इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लिया, उसको लगा ये तो भोली लड़की है और ये फंस जाएगी। तो फिर उसने पता क्या किया, और दो तो बंदे चेंज हुए, एक ने मैं अंदर मंदिर घुमाया और एक ने यमुना जी के दर्शन कराए विश्राम घाट, ठीक है। और फिर मतलब बताया सब कुछ अच्छे से समझ में आया। और फिर वहाँ पे जब हमको विश्राम घाट लेके गए, वही यमुना जी के घाट में, तो ना वहाँ पे वो हमसे पता नहीं आरती वगैरह करवाने लग गया। और फिर हमने आरती भी कर ली, तो बीच में बोला कि हमें ना क्या गौ माता और पंडित को दान देना पड़ेगा, 1500, 1700, 3400 पता नहीं ऐसे ऐसे अमाउंट बता दिए। मैंने बोला हमें नहीं करना पड़ेगा, मतलब वैसा दान होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है बोल रहे हैं। हमने कहा अच्छा होता होगा फिर बढ़िया है, तो हमको पता हमें देने के लिए कह रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बोला कि पूजा हो गई, तो अभी कितना कितने पंडितों को खाना खिलाओगे। मैंने बोला क्या, मैंने कहा आप तो 100 रुपये की बात करके हमसे इतना ये तो लूट रहे हैं आप, ठीक है। तो बोला अरे कुछ तो देना पड़ेगा, ऐसे खाली नहीं रखते। तो मेरे पास 11 रुपये खुले थे, मैंने कहा मैं 11 रुपये रख देती हूँ। तो बोले 11 रुपये में कौन सा पंडित खाएगा और कौन सी गौ माता को दान देंगे। मैंने कहा मैंने दिल से सबको दे दिया है और मैं खूब दान करती हूँ वैसे भी। तो फिर बोले कि क्या कहते हैं, हंसने लग गया, मतलब वो उस बंदे, क्योंकि दो बंदे चेंज हुए थे, तो उसने अगले बंदे को भी बताया कि इसने 15 रुपये दिए, 11 रुपये दिए। फिर उसने अगले हमको कहते हैं उस गाइड के बारे में बोला था, उसको भी जाके बोला। हाँ, फिर बाकी जो बीच में जो मिल रहा सबको बता रहा है। तो मैंने उसको बोल दिया कि भैया बात तो हमारी 100 रुपये की हुई थी, और आप बीच बीच में इतना सब कुछ लेकर के आ रहे हो, और आप, मैंने तो आपको ये भी नहीं बोला आरती करनी, आप खुद ही आप करवा रहे हो, और जहाँ जहाँ मंदिर जा रहे हैं वहाँ वहाँ सब जगह दान करने के लिए। मैंने तो कहीं दान नहीं किया, कहीं पे भी दान नहीं किया, जितना दिल में नहीं दान करने, उसने नहीं बोला था मंदिर द्वारकाधीश मंदिर में दान नहीं करना है, बट जो छोटे छोटे टेम्पल्स थे, तो फिर हमने उसको डिम्पल को भी बोला, ठीक है, मेरे पास जितने चिल्लर थे, मेरे पास 500 रुपये का नोट है, क्यों दूंगी मैं। फिर पता है क्या, एक जगह पे मुझे जहाँ पे एक जगह पर और मंदिर में बोला था, तो बोले खुले हो जाएंगे। मैंने कहा वैसे ही सिस्टम है, मंदिर में खुले हो जाएंगे क्या नहीं। अभी पता है ऐसा हो गया ना कि मतलब दिल से तो मुझे ऐसा लगता है ना, कोई भी अपना मतलब आपका दिल जितना प्योर है उतना ही आपको अच्छा लग सकता है। अदरवाइज़ यहाँ पे तो जितने भी तीर्थ स्थल हैं सब जगह ऐसे ही हो गया है, अब पैसा वाला सिस्टम ही हो गया है, पैसा फेंको तमाशा देखो वाला सिस्टम। हाँ, जो भी है, हमें दर्शन हो गए और स्टोरीज भी पता चली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सब चीज़ें साइड रख दो। तुझे कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो अब हम निकलते हैं, यहाँ से निकलते हैं, चेकआउट करते हैं और खाना कुछ खाते हैं। फाइनली हमें मिल गया है खाना, यह है बिना अनियन गार्लिक के, और डिम्पल टूट पड़ी है।